झूठ बोला तू इसका? ये झूठ बोला, गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, दो झूठ। गरीब आदमी तेने के लिए गरीब लिखा है यार, लिखा है समान अगला गरीब आदमी लिखा है तेन पता है इतना सारा झूठ बोलता है समझ आई? क्या करूँ उसका? जनाब खैरियत है? आप पहुंचो। ये भी गया शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू, मेहरबानी। अरे सर अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं सर, वो उधर जाना, बुदले थाने में जाना। क्या हो गया, परेशान हो गया? नहीं नहीं नहीं, वो और चीज सोच रहा था, ये समझे हाई कोर्ट से लेबर कोर्ट से कोई बंदे आए पूछने के लिए, तनख्वाह का ये पूछते हैं ना कितने कितने। वो असल वजह, देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट सर, बात ये होती है, देखो आप हो मजदूर, जी सर जी, ठीक है ना, आपका निज़ाम ये होता है कि लेबर कोर्ट के अंदर ना आप लोग आवाज़ नहीं उठाते, जी सर, आप सिर्फ जो आपको तनख्वाह दी जाती है आप उसी पर रहते हो, खुदा ना खुदा बोलोगे ये आपको जो है ना आपको डिसमिस कर देंगे, आप मजबूर हो जाते हो, लेकिन इसके इसका एक कानूनी ला है, लेटर पैड कह रहे हैं, ठीक है, इसका एक कानूनी ला है, ला के मुताबिक चलोगे तो इनकी जरूरत भी नहीं आपको कोई बात करने और ये आपको फारिग कर सकते हैं। ये आपको ये 17,000 में बनता क्या, मुझे ये बताओ। सर उनके कानून के मुताबिक उनकी जो कम से कम जो उनको तनख्वाह यानी कि जो उनको रिकॉर्ड में दिखा रहे हैं ना, वो तो शो कर रहे हैं, वो आपके तकरीबन होगी 30-32,000 से कम नहीं होगी, तो जो शो कर रहे होंगे 17,000 दे रहे हैं ना, 17,000। हाँ तो यही मसला ना, आप लोग इसका तरीका होता है, मैं बोलूँगा तो फिर जाना, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है, मैं ये नहीं, मुझे कोई इतराज़ से तुम लोगों के लिए मसला है, नहीं नहीं, इनका इनका हमारे लिए कोई तलक नहीं है। अच्छा, नहीं हमारे तो कंपनी का है, इनका कोई तलक नहीं है हमारा, सही है, हमें तो कंपनी ने भेजा हुआ है। अच्छा कंपनी ने भेजा, हाँ जैसे आप सिक्योरिटी में हो। अच्छा कंपनी के जो बंदे हैं ना वो पैसे खा रहे हैं, अब मुझे इनके आपके जो जो होते हैं ना, यानी कि GM PM CM ये छोटे मगरमच्छ हैं, ये वो पैसे खाते हैं उस्मान भाई, वो इनसे कमीशन खा रहे हैं। हाँ वो मुझे पता है, उन्होंने वर्दियाँ दी हैं, उन्होंने इनको पिस्टल वगैरह दी, उन्होंने गोलियाँ दी हैं, उनकी जिम्मेदारी है ये मामला है। अभी मुझे भी ये किधर से आए आप, बस मैं थोड़ा मसरूफ हूँ, बाद में फ़ोन करता हूँ आपको सर, आधे घंटे तक। ओके इधर से मिलेगी मुझे, समझ अभी आपकी पेमेंट मिलेगी, मेरी पेमेंट वो कह रहा है जी लेटर पैड दे दो और पेमेंट ले लो, मेरे पास लेटर पैड दो, अगर नहीं मिलती है तो फिर मुझे बता दो, नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं वो आपका मसला है, आपको मसला है चले, एक अच्छी बात, लगा लो सर, वो कमीशन खा रहे हैं आपसे, उसका हल ये है आप एक पेपर तैयार करो, कुछ ज़्यादा मसला तो फिर मेरे इनसे रब्ता कर लेना, आप इनसे रब्ता कर लेना, आप इनसे रब्ता कर लेना, ये मुझे पेपर दे देंगे, अगर मेरा गवर्नमेंट बंदे थोड़ी,
प्राइवेट है। मैं कह रहा हूँ ये प्राइवेट क्यों नहीं है, तो अगला मेरा काम, मैंने तो किधर बैठा है, पैसे चाहिए ना। अच्छी भाई भाई सर, मैंने बताया ना, पता है ना वो ये भाई मुझे, मुझे वो कह नहीं जानते हैं। हाँ हाँ, ये भाई कह रहे थे कि आप सिस्टम चलाओ, मुझे पूरा सिस्टम समझाया था। नहीं वो जो पता है ना, वो उधर का जो है ना सब्जवारी का, यार सिस्टम एक ही है चाहे सब। हाँ वो तो ऐसे ही है, जैसे कंपनी का सारा कंपनी का सिस्टम है। चलो ठीक है जी, कंपनी है। हाँ हाँ, सबकी अलग अलग है। हाँ वो नहीं, वो क्या वो खाए जो हक का है, हक बनता ही नहीं है। और ये तरीका सर यही है कि आप बैठ जाए टेबल टॉक करें कि सब देखेंगे। टेबल टॉक में ये होंगे, टेबल टॉक पता क्या होगा, टेबल टॉक इनको फारिग कर देंगे इंशाल्लाह। भाई ऐसे हम बात, मैं अभी बोल के तो दिखाया, अभी इनकी जरूरत नहीं है, बोल के दिखाया उनको, बोला चलो ठीक है जी आप फारिग, आपकी जगह पर 10 बंदे और खड़े होंगे। यही बात है, मुझे पता है। हम आ चुके हैं, ये कहना कोटे वाला है और बुदला रोड है, एक छोटा सा बाजार है, ये टाटापुर रोड है और ये मखदूम रशीद रोड है। गाँव है, बहुत खूबसूरत गाँव है ये वाला, देखिए गाय बंधी हुई है, ये गाँव का इलाका है माशाल्लाह, विलेज बहुत खूबसूरत है। देखें ये परिंदे वगैरह भी चहक रहे हैं और जानवर वगैरह, जैसे भेड़ बकरियाँ, बच्चे को देखे कैसे लेके आ रहा है। हाँ शाबाश, ये घास काट रहा है, दूर तक का छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो बच्चे पे काम, ये देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, इनके साथ भी जुल्म ही होता है, ये छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, ये छोटे बच्चे काम करते हैं, इनको लूटने वाले जो है ना ये भुट्टा मालिक से लगे हुए हैं। ये खूबसूरत विलेज है, ये देखो आम लगे हुए हैं, ये दरख्तों पे आम लगे हुए हैं, चारों तरफ दरख्त हैं और बीचों बीच बागात है आमों का। इन लोगों ने देखिए आम लगा रहे हैं, आम लगे हुए हैं, आम लगे हैं, ये दरख्तों पे सारे आम ही आम हैं। ये जो है ना ये मुल्तानी चौंस है, पेटियाँ लगी हुई है, ये देखिए यहाँ से जो है ना ये माल लेके जाते हैं और ये लेके जाकर फिर यहाँ पर इकट्ठा होता है बागों में से, बागों में इकट्ठा होने के बाद ये फिर चीटियों पैक करके फिर पाकिस्तान के शहरों में मुंतकिल करते हैं, फिर मंडियों में जाता है, सारे जिनके बागान लगे हैं।
आजा तू आजा। हाँ जी, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक हो? ड्यूटी लाई है ये। बस यही ड्यूटी लगी है। और सुनाओ, खैरियत है? क्या पोजीशन है ये आम शाम के? कितने की पेटी दे रहे हैं? ग्यारह सौ रुपये। कौन सा? क्यों सा? अच्छा, यानी कि कच्चा या पक्का? कच्चा। अच्छा अच्छा, चलो। और सब खैरियत है ना? ठीक है सर, मैं तो वैसे रुक गया था देखने के लिए। क्या सिस्टम? बस ये वीडियो रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्ड तो होती है। हाँ हाँ, शहर एक रहना है। हाँ शहर एक। ये तो आज गाँव से निकले हैं। ये तो आज गाँव से निकले हैं। ठीक है सर, ओके। अब मैंने जो सफ़र किया 25 से 30 किलोमीटर का सफ़र किया, और ये मैं जा रहा हूँ बुदला सेंट। माशाल्लाह सजा दे। ये है जी डंडे वाली पुल।